कैसा हो कि अगर स्ट्रीट वाली कुरकुरे मोमोज जो है आप घर में ही बना के तैयार कर लो, तो बिना देर किए हुए चलिए आज इस कुरकुरे मोमोज को घर में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चटनी के लिए मैं ली हूँ 2 टमाटर, तो इसे अच्छे से पहले धो लेंगे। इसके बाद इसके इस तरह मुँह को निकाल के 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अक्सर जो है मैं कम क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ती है और बहुत सारी खानी भी पड़ती है, तो कम ही क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। तो दोनों टमाटर को कट कर देंगे। उसके बाद डाल रही हूँ 4 सूखी लाल मिर्च। ये मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं 4 का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 कप डालेंगे पानी और इसे उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं ली हूँ बंद गोभी, जिसे जो है चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है, मैं बंद गोभी को पहले अच्छे से धो लेंगे, और जब पानी अच्छे से सूख जाए उसके बाद में इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद में चॉपर में डाल के इस तरह अच्छे से चॉप कर लेना है। तो जब भी उनके पास में टाइम रहता है तो इस तरह वो मेरा हेल्प करते हैं। 1 गाजर है जिसे मैं अच्छे से बारीक चॉप कर ली हूँ कद्दूकस, और 1 प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद में पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पर हमें इस सारे प्रोसेस को हाई फ्लेम पर ही करना है। तो अब हम प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जस्ट इसका हल्का सा जो है कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज का जो है कलर चेंज हो चुका है, और ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, और साथ में ही डाल देंगे गाजर भी, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए कि ये सारे प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। यहाँ सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, जस्ट इसका थोड़ा जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और इस सब्जियों में क्रंचीनेस भी रहना चाहिए। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसे कंटिन्यू इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जियाँ का जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, तो मैं चिंग्स का यूज कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और यहाँ हमारा टमाटर भी जो है बॉईल हो ही रहा है, तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। स्टफिंग हमारा अब तैयार हो चुका है, और यहाँ टमाटर भी पक चुका है, तो इसे भी बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम मोमोज के लिए डो लगाते हैं। तो मैं 1 कप ली हूँ मैदा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। डो बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह हम चपाती का लगाते हैं रोटी का, उसी तरह ही हमें डो को लगाना है। तो यहाँ पे हमारा डो जो है तैयार हो चुका है। यहाँ टमाटर और मिर्च जो है अभी भी थोड़ी सी गर्म है, तो इसे साइड करते हैं, और यहाँ पे हम मोमोज को तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो बड़े से लोहिए को बना के उसे आप बेल सकते हैं, और उसके बाद में उसे नॉर्मल साइज किसी भी बाउल से कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके एक एक को ही बेल सकते हैं। तो या और इसे बेलने के लिए हम यूज करेंगे थोड़ी सी मैदा, या फिर सूखे आटे का भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं मोमोज की रेसिपी जो है आपके साथ में शेयर की हूँ, उसमें 5 से 6 तरीके से आपको फोल्ड करना भी बताई हूँ। आज भी मैं 2 तरीके से आपको फोल्ड करना बताऊँगी। आपको जो इजी लगे आप उस तरह इसे फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि हमें इस बाद में फ्राई करेंगे। अक्सर देखे होंगे आपने कि फ्राई मोमोज में जो है इसे स्टीम नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमें उसे थोड़ी ज़्यादा देर फ्राई करने पड़ती है, और उसका टेस्ट जो है उस तरह नहीं आता है। तो जब भी फ्राई मोमोज बनाए तो मोमोज को जो है हाफ स्टीम कर लें, और नॉर्मल अगर डायरेक्ट मोमोज खाना है तो आपको कम से कम 15 मिनट स्टीम करना है, और हाफ मोमोज फ्राई करने टाइम में 10 मिनट के लिए आपको कम से कम इसे स्टीम करना रहता है। तो इस तरह का शेप हम मोमोज में दे देंगे। तो ये वाली जो है शेप आपको फिर भी जो है थोड़ी सी हार्ड लगेगी, नेक्स्ट वाली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। और अक्सर मोमोज का शेप जो है फ्राई मोमोज का सेम उसी तरह का ही आता है।
इसे भी हम बेल के फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है फोल्ड करने के लिए बता रही। इस तरह पतला बेल लेंगे और साइड्स में लगा लेंगे थोड़ा सा पानी। और स्टफिंग जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि मोमोज में ज़्यादा स्टफिंग डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल इजी तरीके से मैं फोल्ड की हूँ। जस्ट दोनों तरफ से एक एक प्लीट को ऐसे उठाना है और इसके ऊपर में प्रेस करते जाना है। तो इसी तरह सारे मोमोज को भर के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ एक स्ट्रेनर और इसमें जो है तो अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी गैप देते हुए इसमें हम मोमोज को रखेंगे, क्योंकि मोमो जब स्टीम हो जाती है तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है अपनी साइज में। तो यहाँ पे स्टीमर में एक बार में 7 से 8 ही मोमोज आए, तो इसे अब हम पानी को पहले से मैं गर्म होने के लिए रख दी थी। तो अब इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे, तब तक अपनी चटनी जो है बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे मिर्ची और साथ में टमाटर के ऊपर के छिलके को निकालेंगे और उसे भी इसी भी जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा चटनी जो है पीस के तैयार हो चुका है। पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल, जिसमें मैं मोमोज की स्टफिंग बनाई थी सेम उसी में मैं चटनी भी बना रही हूँ। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन इसमें ज़रूर डालें, अगर इस तरह बारीक कटी हुई पसंद नहीं है तो जब चटनी को पीसे उसी समय आप डाल सकते हैं उसमें। जब लहसुन इस तरह हल्का पक जाए तो इसमें अब हम टमाटर के जो प्यूरी थी उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून से भी कम ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे डार्क सोया सॉस, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टोमेटो केचप। इसकी जगह आप चाहे तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं, पर थोड़ी सी मीठी ज़रूर डालें, जिससे चटनी जो है खट्टी मीठी तीखी लगती है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चटनी जो है बन के तैयार हो चुका है। मोमोज भी अच्छे से स्टीम हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक हम घोल बना लेते हैं। तो 1/2 बाउल डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर और 1/2 बाउल डालेंगे मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लोर की क्वान्टिटी सेम रहनी चाहिए। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर। इसमें फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, पर अक्सर स्ट्रीट में उसका जो है कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके घोल तैयार करेंगे। तो घोल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं आपको एक स्पून से भी घोल का कंसिस्टेंसी जो है आपको दिखा रही हूँ। इस तरह घोल जो है हमें बना के करना है तैयार। तो यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं मैं उसी का यूज कर रही हूँ क्रिस्पी करने के लिए। तो इसे इस तरह हाथ से क्रश कर सकते हैं या पोटैटो मेसर से भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में डाल के इसे हल्का दरदरा पीस भी सकते हैं। अब एक फोर्क लेंगे और मोमोज को इस घोल में डीप करेंगे। मोमोज जो है पूरी अच्छी से ठंडी हो जानी चाहिए तभी इसका यूज करना है। और इसमें डाल के इस तरह हिला देंगे तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। और थोड़ा सा हम इसे कर देंगे प्रेस। इसी तरह सारे मोमोज में ब्रेड घोल और साथ में ये कॉर्नफ्लेक्स को जो है लगा के तैयार कर लेंगे। मोमोज को कैसे आप कम से कम 15 से 20 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। बस आपको निकालना रहता और स्टीम करके उसे खाने का रहता है। तो यहाँ पे हमारा मोमोज जो है अच्छे से कोट हो चुका है।
इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाना है, फिर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और फ्राई करेंगे। एक बैच को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का ही टाइम लगता है, क्योंकि हमारी सब्जियां भी पकी हुई है, मोमोज भी स्टीम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। जिस तरह स्ट्रीट में सर्व की जाती है बिल्कुल मैं उसी तरह सर्व कर रही। तो डालेंगे थोड़ा सा मायोनीज, ये डालेंगे हमारी तीखी वाली चटनी, और साथ में मायोनीज और तीखी वाली चटनी को मिक्स करके मैं यहाँ पे ये वाला चटनी को तैयार की हूँ। तो इसके साथ मोमोज और भी अच्छी लगती है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।